नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्नो आईटी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। अभी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कनिष्ठ निदेशक भर्ती जारी की है, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी मिला है। तो इसमें क्या क्या नया किया है, क्या क्या पुराना है, क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं, क्या कौन कौन से एलिजिबल जो फॉर्म भर सकते हो, वो सारी डिटेल हम इसमें बताएंगे। और इससे ज़्यादा डिटेल में हम पूरी वीडियो पूरा नोटिफिकेशन को लेकर बनाएंगे। अभी इतना ही है। जो नया पदनाम, क्या क्या कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती आई है, कितनी एज चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो हम शुरू करते हैं। तो पहली बात हम बात करते हैं विज्ञापन संख्या। इसका विज्ञापन संख्या है 08/2024। इसमें चार पदों पर भर्ती आई है। पद का नाम है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला और या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली। इसके टोटल 202 पद हैं। और दूसरे पद के लिए आई है कनिष्ठ अनुदेशक ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके लिए टोटल पद हैं 158। और कनिष्ठ अनुदेशक ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों के लिए इसके टोटल पद हैं 100। और कनिष्ठ अनुदेशक WCS इसके टोटल पद हैं 219। तो इन चार ट्रेड्स की भर्ती आई है। अब इसमें बात करते हैं एज है, जो एज 21 से 40 वर्ष की है। मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC और भूतपूर्व सैनिक, SC ST OBC और भूतपूर्व सैनिक के लिए नियम अनुसार छूट दी गई है। उसके बाद पहले की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ध्यान रखना, अब नया लगा है। पहले की भर्ती में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है 1/3। पहले कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार 1/3 कर दी गई है। एग्जाम इस बार होगा 2 घंटे का और टोटल प्रश्न आएंगे 120। पहले 150 प्रश्न आते थे, अब 120 प्रश्न कर दिए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन GK के आएंगे, राजस्थान GK के, और 80 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट के आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के। जैसे ES से भर रहे हो तो ES के आएंगे, WCS से भर रहे हो तो WCS के आएंगे, ED से भर रहे हो तो ED के, या कंप्यूटर से भर रहे हो तो कंप्यूटर से। एक और क्राइटेरिया दिया गया है इसमें, मिनिमम क्राइटेरिया आपका पासिंग का होना चाहिए, जो 40% होना चाहिए। अगर 40% पासिंग मार्क्स नंबर नहीं आते तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा उसकी एलिजिबिलिटी। कम से कम 40% तुम्हारे एग्जाम में नंबर आने चाहिए। और एक तो नया ये था नेगेटिव मार्किंग का, दूसरा एग्जाम में चेंजेस, तीसरा एक और है ऑप्शन 5 कर दिए हैं। ऑप्शन 5 ऑप्शन कर दिए गए हैं ABCD और E। आपको जो आंसर देना है ABCD, इनमें से देना है आंसर। अगर तुमसे आंसर नहीं आता और तुम्हें वो छोड़ना है तो ई ऑप्शन करना है, ई ऑप्शन को गोला करना है। अगर नहीं करते हो तो नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा 1/3। अगर ई ऑप्शन नहीं किया, तुमने खाली छोड़ दिया, अगर तुमने 10% से अधिक मतलब पूरे एग्जाम का 120 का 10% होता है 12 प्रश्न, अगर तुमने इस एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातें 12% से ज़्यादा अगर छोड़ दिए, किसी भी खाली कोई भी बिना ऑप्शन भरे, तो आपको एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा, मतलब आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, उस पर कोई वो नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक और वो है, जो आपका जो 2 घंटे मिनिमम टाइम है, 2 घंटे टाइम के बावजूद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ताकि आप कोई खाली बचे हुए ऑप्शन हैं उनमें आप फिर से कोई ऑप्शन ई वगैरह या कुछ भी ऑप्शन भर सकते हो। इसके लिए आपको एग्जाम के अलावा 10 मिनट और एक्स्ट्रा दी जाएंगी। और जितनी भी डिटेल हैं वो अगली वीडियो में मैं पूर्णतः नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी जानकारी दूंगा। इससे इसी तरह की और जानकारी के लिए कनिष्ठ निदेशक भर्ती या रेलवे की भर्ती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।